बाहुबली फिल्म ने अपनी हर चीज से लोगों का दिल जीता था, फिर वो चाहे फिल्म की कहानी हो या उसके स्पेशल इफेक्ट्स। जहां एंटरटेनमेंट के मामले में बाहुबली पीछे नहीं थी, वहीं रिकॉर्ड बनाने के मामले में भी पीछे नहीं थी। साल 2015 में आई फिल्म बाहुबली ने आते ही अपना एक रिकॉर्ड बनाया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। वो रिकॉर्ड था दुनिया के सबसे बड़े पोस्टर को बनाने का, जिसका साइज 50,000 स्क्वायर फीट था। यह पोस्टर ग्लोबल यूनाइटेड मीडिया इंडिया लिमिटेड इंडिया कोच्चि द्वारा बनाया गया था। जब इसके बारे में मूवी के डायरेक्टर एसएस राजमौली को पता चला, तो उनकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। अभी तक मेकर्स ने बाहुबली 3 का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। लगता है किसी स्ट्रॉन्ग और अच्छी कहानी पर काम हो रहा है, जो फिर से कोई रिकॉर्ड जरूर बनाएगा। बाहुबली फिल्म को देखकर लोग एक ही बात कहते रहे हैं कि इस फिल्म को ऑस्कर जरूर मिलेगा, लेकिन लोगों को क्या पता कि ऑस्कर इतनी आसानी से नहीं मिलता। एक इंटरव्यू में बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजमौली से पूछा गया था कि उन्हें क्या लगता है, क्या उन्हें बाहुबली के लिए ऑस्कर मिलेगा। तो राजमौली ने कहा, जरूर मिलेगा, लेकिन वो अभी उसके लिए तैयार नहीं है और वो कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन उन्हें ऑस्कर जरूर मिले, वो भी बाहुबली के जरिए। अब तो ऐसा लगता है कि बाहुबली 3 को ऑस्कर दिलाने के लिए राजमौली कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाहुबली फिल्म सिर्फ देखने में ही आसान लगती है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजमौली और फिल्म के क्रू मेंबर्स ही जानते हैं। बाहुबली फिल्म को 3 साल लग गए थे पूरी तरह से बनने में, और उन 3 सालों में एक्टर्स ने भी उतनी ही मेहनत की थी जितनी फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने की थी। यहाँ तक कि मूवी के लीड एक्टर प्रभास को भी टोटल 300 दिन की शूटिंग करनी पड़ी थी, वो भी लगातार, क्योंकि अगर शूटिंग गैप होता तो मेकर्स के लिए ही प्रॉब्लम होती किसी भी सीन को शूट करने में। पर राजमौली ने इन 3 साल में किसी भी क्रू मेंबर को कोई परेशानी नहीं होने दी। अब बाहुबली 3 भी इसी उम्मीद के साथ शूट होगी, जहां सब अच्छे से काम करेंगे। बाहुबली फिल्म में एक सीन ऐसा था जो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का था, लेकिन उसे शूट करने में मेकर्स को 5 महीने लग गए थे। और ये सीन भी हिट हुआ था, जब बाहुबली और कालके के बीच लड़ाई हुई थी, तब उस सीन को शूट करने में मेकर्स को 5 महीने का समय लगा था। मेकर्स चाहते थे कि वो सीन इतना नीट और क्लीन दिखाई दे कि उसमें गलती ना निकल पाए, और सही में आज जब उस सीन को देखा जाता है तो उसमें गलती निकालना वाकई मुश्किल लगता है। बाहुबली 3 भी ऐसी ही होनी चाहिए, जो लोगों को हर एक सीन से या फिल्म की कहानी से अमेज्ड करके रख दे। अगर देखा जाए तो ऑडियंस को कैसे एंटरटेन करना है, ये राजमौली अच्छे से जानते हैं। बाहुबली मूवी को अगर ठीक से देखा जाए तो पता चलता है कि पूरी मूवी VFX पर ही बनी है, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे भी थे जो बने VFX से थे, लेकिन उसे देख के कोई ये नहीं बोल सकता था कि वो सीन नकली थे। मूवी के एक सीन में नदी के अंदर हो रही हलचल को भी शूट किया गया था, लेकिन उस सीन को पूरी तरह से VFX की मदद से बनाया गया था। अगर आज भी उसे कोई देखता है तो यही लगता है कि सच में नदी के अंदर की दुनिया ऐसी ही दिखती होगी जैसा इस फिल्म ने दिखाया था। यहाँ तक कि बाहुबली 2 भी पूरी तरह से VFX पर ही बेस्ड थी, लेकिन उसका VFX थोड़ा सा और एडवांस हो चुका था। बाहुबली 3 में भी मेकर्स को ऐसे VFX इस्तेमाल करने होंगे जिससे लोग फिल्म की ओर अट्रैक्ट हो सके। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें फटाफट से बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।